शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्योंकि तुम ही हो। आप कोहिनूर का हीरा हो, पर आपकी कीमत का अंदाजा मुझ जैसा चोरी ही लगा सकता है। इसने काव्या के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। हमें नहीं पता कि काव्या और रॉकी में सच्चा कौन है और झूठा कौन। हमारे मना करने के बाद भी ये परीक्षा देने गई, इसलिए काव्या को इसी समय उसके माँ बाप के घर भेजने का फैसला हमने लिया है। जब रॉकी को घर से बाहर निकालने की बात आई तब आपको दोनों पक्षों को सुनना था, जबकि इसने इतना घिनौना काम किया है। अब काव्या का पक्ष भी सुन लीजिए मुझसे। काव्या की एग्जाम की सच्चाई यह है कि उसे एग्जाम देने के लिए मैंने कहा था। काव्या ने जो जो किया है सब मेरे कहने पे किया है। काव्या को किताबें मैंने लाकर दी, काव्या को एग्जाम के लिए मैंने तैयार किया। आखिर क्यों करण, आप हमारे फैसले के खिलाफ गए। मैं आपके खिलाफ गया ही नहीं हूं, मैं उस सोच के खिलाफ हूं जो लड़कियों को शिक्षित होने से रोकती है। और पढ़ने का इतना ही शौक था तो शादी क्यों की? क्यों? शादी के बाद लड़कियों को पिंजरे में बंद होना चाहिए, यही सही है? कानून की कौन सी किताब में लिखा है कि शादी के बाद लड़कियां पढ़ नहीं सकती हैं? अगर काव्या ये एग्जाम नहीं देती ना तो दादी उसके 3 साल की मेहनत बर्बाद हो जाती। मैं जानता हूं कि आप उसकी पढ़ाई के खिलाफ हैं, इसीलिए आपसे छुपाकर मैंने इसे पढ़ाया। दादी माँ, मैं हमेशा आपके फैसले के साथ खड़ा रहता हूं, पर आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपको काव्या को ना पढ़ाने का फैसला बहुत गलत फैसला है। मैं जानता हूं कि आप काव्या को पसंद नहीं करती हैं, मगर अपनी नाराजगी को दादी इतनी हवा मत दीजिए कि वो नफरत में तब्दील हो जाए। लड़की जब तक पढ़ना चाहे उसे पढ़ाना चाहिए। घर गृहस्थी के चक्कर में पड़कर उसकी पढ़ाई को रोकना समझदारी नहीं है। जब एक आदमी को पढ़ाते हैं ना तो सिर्फ वो अकेला आदमी शिक्षित होता है, पर जब आप एक लड़की को पढ़ाते हैं ना तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, फिर पूरा समाज और फिर पूरा देश। तो हम इसे इसलिए पढ़ाएं कि वो अपने दोस्तों को इस हवेली में बुलाए और इस तरह की पार्टियां करें? ये पार्टी भी मैंने ही दी थी, मैंने ही ऑर्गेनाइज की थी काव्या को सरप्राइज देने के लिए। दादी माँ, आप जो भी इल्जाम काव्या पर लगा रही हैं उसका गुनहगार मैं हूं, इसलिए आपको जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए। और रही बात छुपाने की, तो मैं आपको बात बताकर आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था, लेकिन मेरी नजर में मैंने जो भी किया है उसमें कुछ गलत नहीं है। काव्या के 2 एग्जाम्स बाकी हैं और काव्या दोनों एग्जाम्स देने जाएगी। दादी माँ, मैं आपसे प्यार करता हूं, आप मेरी दादी हैं, उम्र में बड़ी हैं, लिहाज भी करता हूं, पर यह मत समझिए कि आज आपने जो किया है मुझे समझ में नहीं आया। बात घर की बहू की इज्जत की थी, आपको खुद रॉकी को घर से लात मार के बाहर फेंक देना चाहिए था, पर आपने उल्टा उसका साथ दिया।
फिर बात को काव्या की पढ़ाई की तरफ घुमा दिया, फिर उसे दोषी साबित करने में लग गई। आप ही कहती है ना कि जो बोगे वही काटोगे। आज आपने गलत बोया है दादी माँ, गलत बोया है, और देखना इन सब का खामियाजा एक दिन पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। याद रखना, एक दिन याद रखिएगा। चलो काव्या, वैलेंटाइन गिफ्ट की बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? मुझे लगा रॉकी ने नादानी में ही सब किया। मैंने उसे अपने तरीके से समझाने की कोशिश की और वो मामला मैंने वही खत्म कर दिया था, इसलिए मैंने आपको बताकर परेशान करना ठीक नहीं समझा। अगर तुमने मुझसे नहीं छुपाया होता, मुझे बता दिया होता ना, तो आज जो हुआ वो नहीं होता। अगर उस दिन तुमने वो गहनों का डब्बा अम्मा जी को नहीं दिया होता और काव्या को नहीं बचाया होता ना, आज वो लड़की हमारे घर से बाहर होती। मैंने कोई गलती नहीं की है। जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि तुमने काव्या को क्यों बचाया। एक बात कान खोल के सुन ले, अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो नहीं तो क्या क्या कर लेंगे आप? अरे कुछ नहीं कर सकते आप। जो करना है मैं करूंगा। ये जो करण है ना, इसको तो खत्म कर दूंगा मैं। रॉकी का बनाया प्लान कभी फेल नहीं होगा आप लोगों की तरह। सॉरी काव्या, मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया और मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। बचपन से मेरा बस एक ही सपना था, अपनी माँ की तरह एक परफेक्ट हाउसवाइफ बनूं, सबको अपने साथ जोड़ू, उन्हें खुशियां दू, उनका प्यार पाऊ। क्या कुछ ज्यादा मांग लिया मैंने अपनी किस्मत से? नहीं, मैं सच कह रही हूं, इस फैमिली की टूटने की वजह नहीं बनना चाहती। पता नहीं क्यों
जितनी भी कोशिश करूं। काव्या, जो रिश्ते होते हैं ना वो कच्चे धागों की तरह होते हैं, अगर हम तनाव से खींचेंगे ना तो वो धागा टूट जाता है और फिर दोबारा जोड़ने की कोशिश भी करो ना तो उसमें गांठ रह जाती है। हमें कोशिश करनी कि रिश्ता टूटे ना, और पति पत्नी का रिश्ता आईने की तरह साफ होना चाहिए। अगर हम एक दूसरे से कुछ भी छुपाएंगे ना तो दुनिया उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगी, उसका फायदा उठाएगी। हमें हर छोटी से छोटी बात एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए, और एक पति को अपनी पत्नी से परमिशन भी लेनी चाहिए। हाँ, मैं सही कह रहा हूं। मैंने पार्टी में एक क्यूट कपल को देखा। पति बड़े प्यार से अपनी पत्नी से पूछ रहा था, बेबी क्या मैं सांस ले सकता हूं? और पत्नी भी कितनी दिलदार थी, उसने कहा हाँ बेबी तुम सांस ले सकते हो। काव्या, हमें एक दूसरे का साथ हमेशा देना है, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। कल अपने घर चली जाओ। अरे अरे अरे, इतने ड्रामेटिक तरीके से मत देखो, मैं सिर्फ कल के लिए बोल रहा हूं। शाम को लेने आ जाऊंगा तुम्हें, तुम्हें थोड़ा चेंज मिल जाएगा, फ्रेश हो जाओगी। वैसे भी कल मुझे बहुत काम है, बहुत सारे फोन कॉल्स हैं, घर पे हूं मैं। क्या बोलती तू? क्या मैं बोलू? दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, कल तो आप सही समय पर आ गए, इसलिए आपने मुझे करण भैया से बचा लिया, नहीं तो ना जाने करण भैया मेरे साथ क्या ही कर देते। दादी माँ सच बात बताऊं, अपना हर पल इस हवेली में घबराहट सी होती है, ना जाने काव्या भाभी कब बदले की भावना से करण भैया को फिर से मेरे खिलाफ भड़का दें। और बेटा, माँ कल जो हुआ ना बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। क्यों? हमारे खानदान में हमें ये दिन भी देखना पड़ेगा, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। हम सोच रहे थे रोकी के नाम पर एक प्लॉट खरीद लें। कल तक हमने कुछ नहीं सोचा था, पर कल के घटना के बाद हम सोच रहे हैं कि वो प्लॉट खरीद ही लें। अब कभी ना कभी रोकी की शादी होगी, पता नहीं कब करण बेटे का दिमाग फिर से खराब हो जाए और हमारे बेटे को घर से बाहर निकाल दे। वही तो, उस काव्या का हमारे करण पर ऐसा रंग चढ़ा है कि पता नहीं कब किसको इस हवेली से बाहर निकलवा दे। और मैं तो कहती हूँ कि ये दिन देखने से पहले ना हमें कोई ना कोई इंतजाम कर लेना चाहिए। मैं कह रही हूँ उस कारपेट वाली की बेटी ने पक्का कोई ना कोई जादू टोना किया है हमारे करण के ऊपर, वरना तो हमारा करण अम्मा जी के खिलाफ हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है मेनका अम्मा। अम्मा, हम सोच रहे थे कि अगर जमीन देखने आप भी साथ चलती तो आपके अनुभव का फायदा थोड़ा हमें भी मिल जाता।
आपको नहीं चलना है तो अम्मा जी कोई बात नहीं, हम चलते हैं। चलो रॉकी। रुको भानु, हम भी साथ चलते हैं। काव्या एग्जाम देने जा रही है ना? नहीं, काव्या अपने घर जा रही है माँ पापा से मिलने। मैं शाम को पिकअप करने आ जाऊंगा, जाओ। ट्रस्ट मी, माँ पापा से मिलके तुम्हारा मूड चेंज हो जाएगा। शाम को मिलता हूं, चलो। डैड, तो फिर मैं एजेंट और पेपर्स को लेकर सीधा प्लॉट पे आता हूं। आप मुझे सीधा वहीं मिलिएगा। ठीक है, जल्दी आ जाना। या। अच्छा, तो इसका मतलब आज तुम घर पर अकेले रहोगे? वो क्या है ना, हम सब लोग भी किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, अम्मा जी भी साथ जा रही हैं। और घर के सारे नौकर भी मेला देखने के लिए छुट्टी लेकर गए हैं। हाँ बोलो। मैं घर पे ही हूं, डिटेल्स बाद में बताऊंगा, अभी मेरा एक बहुत लंबा फोन कॉल चलने वाला है। हाँ हाँ हाँ, तो गैस सिलेंडर लेके तुम घर आ जाओ। ओके। यहां वाईफाई का रेंज वीक ही हो गया, किसी और रूम में जाकर चेक करना पड़ेगा। ये लोग आए हैं कोई गैस सिलेंडर लेकर। इस सिलेंडर को स्टोर में रखवा दो। और हाँ, तुम्हें कहीं जाना था ना आज? हाँ। तो रखवा के तुम भी चले जाओ। नौकर का ध्यान भटकाकर उस सिलेंडर को करण भैया के कमरे में रख दो। ऊपर के कॉरिडोर से राइट साइड जाओगे ना, तो राइट साइड का कमरा है। भाई बहुत प्यास लगी है, जरा पानी पिला दीजिए प्लीज। सिलेंडर रखकर मेरे साथ ही चलिए, किचन नीचे ही है। भाई तू एक काम कर, सिलेंडर रखे सीधा नीचे आ जा। ठीक है, तू पानी पी के आ। स्टोर रूम आगे से लेफ्ट है, वहीं रख दे। ठीक है। उसी कमरे में हूं जिसकी आप बात कर रहे थे। बेड के नीचे सिलेंडर को छुपा दिया है। अब मैं गैस ऑन कर रहा हूं भाई। करण भैया को कोई आइडिया नहीं है कि ये वो सिलेंडर नहीं है जिसका उन्होंने सैंपल मंगवाया है।
ये जहरीली गैस है। गुड बाय करण भैया, द टाइम इज ओवर। इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर हम इसे कायदे से मार्केट कर पाए देन हमें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नए सिलेंडर का जो डिजाइन है, स्पेशली उसका नोजल, वो इतना अच्छा डिजाइन किया है कि इसमें से गैस लीक होने का कोई चांस नहीं है। आपने जैसा कहा था वैसे हमने कर दिया है, गैस लीक होनी शुरू हो गई है, पर करण दूसरे कमरे में है। बेवकूफ, अगर गैस की बदबू फैलेगी तो आएंगे ना वो चेक करने। करण भैया मरने चाहिए, कुछ भी करके करण भैया मरने चाहिए। लगता है तो यार है, मैं आपको बाद में फोन करता हूं। कर ही आऊंगी, वरना फिर वो काम में बिजी हो जाएंगे और फिर मुझसे कहेंगे कि मुझे खाना खाने का तो टाइम ही नहीं मिला, तो मैं उनको खाना खिला कर आऊंगी। हाँ बेटा जल्दी आना, हम इंतजार कर रहे हैं। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? करण सर, सर हमारे लिए ये बहुत फायदे का सौदा होने वाला है। इस बिजनेस वेंचर से सिर्फ हमारी कंपनी को ही नहीं बल्कि लाखों गरीबों को फायदा होने वाला है। एक्सक्यूज मी, मैं आपको कॉल बैक करता हूं। ये गैस की स्मेल, ये तो कोई जहरीली गैस की स्मेल है। इतनी तेज बदबू और आंखें भी बहुत जल रही है। काव्या अपनी आंखें बंद रखो, जल्दी निकलो यहां से बाहर, ये जहरीली गैस है। दरवाजा किसने बंद किया? दरवाजा खोलो, कौन है बाहर? बाहर कौन है? चलो। अरे पार्वती जी, खाना तैयार हुआ कि नहीं? हाँ हाँ बस तैयार ही है। अरे क्या हुआ आपको, आपकी आंख में कुछ गया है क्या? अरे नहीं, पता नहीं सुबह से दाहिनी आंख बहुत फड़क रही है। दिखाइए दिखाइए, एक मिनट। कुछ गया है क्या? ये लीजिए, अब नहीं फड़केगी। अभी भी वैसी हो। अरे कितना वक्त हो गया, काव्य आने वाली थी अभी तक आई नहीं। ओ, मैं आपको बताना ही भूल गई, वो थोड़ी देरी से आएगी। क्यों? अरे वो निकली थी पर उसे घर वापस जाना पड़ा। क्यों, कुछ भूल गई थी क्या? अरे नहीं नहीं, उसने कहा कि करण कहीं काम के चक्कर में खाना खाना ना भूल जाए, इसीलिए वो उसे लंच देकर आएगी। अच्छा क्या हुआ, आपका चेहरा क्यों लटक गया? नहीं कुछ नहीं, बस सोचा था कि बहुत दिनों बाद काव्या के साथ बैठकर खाना खाएंगे। आप खा लीजिए। देखिए ना, एक बार लड़की घर गृहस्थी के चक्कर में फंस जाए तो फिर उसका ज्यादा इंतजार नहीं करते। उदास मत होइए। पार्वती जी, मैंने कॉल कर लेता हूँ, पता तो चले आखिर कितना वक्त लगेगा। मेरा फोन कहाँ गया पार्वती जी? वहाँ रख। अरे वक्त पे कभी मिलता ही नहीं है। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से करण की आंखों से पट्टी हटाओ। आ बेटा। कौन है?
काव्या, काव्या क्या हो रहा है ये सब? काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।